बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस संडे है तो संडे को जो है ना फर्स्ट जो है ना वो सितंबर है, तो फर्स्ट सितंबर को एमनेस्टी का जो है ना वो आगाज़ हो गया है तकरीबन आज। अब बहुत सारे बंदे ये भी पूछ रहे हैं कि हमने अपना इसमें कैसे फ़ाइन माफ़ करवाना है या अपने स्टेटस को कैसे लीगलाइज़ करवाना है। इसी तरह विज़िट वीज़ा के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, वर्क वीज़ा के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, अनस्किल्ड वर्क वीज़ा के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इसी तरह फ्रीलांस वीज़ा जो है, आज़ाद वीज़ा जिसको कहते हैं, इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इसी तरह विज़िट वीज़ा पर आकर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होने की जो सूरत हाल है इसमें क्या अपडेट्स हैं, तो ये जानने के लिए कम्प्लीट आपने वीडियो वॉच कर लेनी है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम अफनान अली है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। जी तो आपको पिछले काफ़ी दिनों से हम बता रहे हैं कि एमनेस्टी ये एक आम माफ़ी का ऐलान है और ये 5 साल के बाद लॉन्च की जाती है, तो आपने कोशिश करनी है कि ख़ुद ही ये माफ़ करवाना है। अब बहुत सारे बंदे ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी के थ्रू थर्ड पार्टी का सहारा लेते हैं, तो भाई थर्ड पार्टी का सहारा आप ना लें, क्योंकि ज़ाहिर है जो बंदा पिछले 5 साल से अनलीगल इधर खली बली है तो वो शर्माएगा या हो सकता है उसको ये डर हो कि मुझे पकड़ कर वापस भेज देंगे तो मैं थर्ड पार्टी का सहारा लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट ऑथोराइज्ड जो टाइपिंग सेंटर है यूएई में किसी भी स्टेट के अंदर, ऑथोराइज्ड टाइपिंग सेंटर, टाइपिंग सेंटर का मतलब ये होता है कि आप जहां पर अपना वीज़ा डालते हैं, जो वीज़ा अप्लाई किया जाता है वो टाइपिंग सेंटर में डाला जाता है, उधर जाकर आप अपना केस क्लियर करवा सकते हैं। या जिस तरह ये कोरोना के दिनों के अंदर कैंप लगे थे, इस तरह कैंप लगेंगे और मेरे ख्याल से काफ़ी कैंप लग भी चुके हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर ये कैंप्स लगेंगे। करीबी आप टाइपिंग सेंटर में जाकर ये जो है ना चेक कर सकते हैं कि कैंप्स कहाँ कहाँ लगे हैं, तो ये सारी की सारी डिटेल आप वहाँ से ले लें। आपको जनाबे वाला एक ऑफ़र लेटर की या ज़ाहिर ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप खली बली हैं इधर अनलीगल हैं तो उस ऑफ़र लेटर को सामने रखते हुए आप अपना जो स्टेटस है उसको लीगलाइज कर सकते हैं, इधर अपना वीज़ा लगवा सकते हैं और बगैर किसी फ़ाइन के माफ़ किए हुए। कोशिश कर लीजिएगा, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि भाई अपना जो है ना वो कोई ऑफ़र लेटर ले लें किसी कंपनी से और अपना स्टेटस इधर लीगलाइज करें और लीगल होकर इधर काम करें। सेकंड आपके लिए ये भी ऑप्शन है कि आप वापस भी जा सकते हैं, एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो सूरतें हैं, अगर तो आप पर कोई केस है, कोई फ़ाइन है, वो भी माफ़ करवा सकते हैं या अपना स्टेटस इन दोनों सूरतों के अंदर बगैर किसी फ़ाइन के पे किए हुए, अगर लाखों दिनम फ़ाइन है तो। ये सारी की सारी जो डिटेल है इसको आप बखूबी समझ लें, सही है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ आ चुकी होंगी। विज़िट वीज़ा के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि 50-50 चांसेस हैं, सही है ना, आपका जो विज़िट वीज़ा है 1 मंथ का भी ओपन है, 2 मंथ का भी ओपन है, 50-50 चांसेस हैं, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, सही है, ये बात क्लियर हो गई। बहुत सारे बंदे यहाँ पर डन बेस की बातें कर रहे हैं, डन बेस वीज़ा नाम की कोई शय नहीं होती, सही है, डन बेस वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जो लोग विज़िट वीज़ा को डन बेस का नाम दे रहे हैं वो सरासर जो है ना वो धोखे में आ रहे हैं और इसकी जो प्राइस भी ज़्यादा है। मेरी खुद एक बंदे से बात हुई, वो कह रहा था जी आम जो वीज़ा, नॉर्मल विज़िट वीज़ा वो तकरीबन 650-700 दिरहम के अंदर मिलता है, लेकिन जो डन बेस वीज़ा है वो 1600 दिरहम के अंदर है। बात समझ रहे हैं, कोई नहीं, बात यार समझ लिया करें, आपके लिए ही हम इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं और आप ना जनाबे वाला वीडियो पूरी नहीं देखते, फिर कहते हैं जी हमें समझ में नहीं आई। यानी आम वीज़ा जो है वो 700 दिरहम में आपको मिल रहा है, विज़िट वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और जो दूसरा वीज़ा जिसको डन बेस का नाम दिया जा रहा है वो 1600 दिरहम में मिल रहा है। आम जो वीज़ा है अगर रिजेक्ट होता है इसकी जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल, आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, लेकिन जो डन बेस वीज़ा है वो अगर लगता है तो आपके उतने पैसे देने पड़ेंगे और अगर नहीं लगता तो फिर पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डन बेस वीज़ा के नाम पर जो एक जुगाड़, एक धोखाबाजी हो रही है, ये इससे आप बच कर रहे हैं। विज़िट वीज़ा पर जॉब फाइंड करने के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि अगर आपके पास डिग्री है, डिग्री वो जो अटेस्टेड डिग्री है, FSC, BA, मास्टर, PhD, बैचलर की अगर आपके पास डिग्री है तो आप जनाबे वाला विज़िट वीज़ा पर इधर आ जाएं, आकर जॉब फाइंड कर लें, आपका वीज़ा लग जाएगा। क्लियर हो गया ये बात, यानी कि आपके पास डिग्री है तो आप इधर आ सकते हैं विज़िट वीज़ा पर। बहुत सारे बंदे आए भी हैं, मेरा एक खुद सब्सक्राइबर कराची से वो बिलोंग करता है, इन दिनों के अंदर इधर आया है
और इसी तरह जो है ना फ्रीलांस वीज़ा भी जो है ना लग सकता है विज़िट पर आकर, आप वो वीज़ा भी ले सकते हैं ऐसी सूरत के अंदर कि जिस बंदे से आप वीज़ा ले रहे हैं, जिस कंपनी से वीज़ा ले रहे हैं उसके पास कोटा है। कोटा होने की सूरत में जिस भी कंपनी में कोटा है तो डेफिनेटली आपका अनस्किल्ड वीज़ा भी लगेगा। बहुत सारे बंदे ये कह रहे हैं कि भाई वीज़ा रिजेक्शन की जो रीज़न है वो बताएं, वीज़ा रिजेक्ट होने की जो वजह है वो बताएं। याद रखें आपका वीज़ा इस सूरत में भी रिजेक्ट हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, यानी कि यूएई किसी भी बंदे का सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी विजिट वीज़ा उसका या कोई भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। सिक्योरिटी रीज़न क्या है? सिक्योरिटी रीज़न ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो चेक किया जाता है, इसी तरह आपका जो आईडी कार्ड है वो चेक किया जाता है और उसकी जो पिक्चर है वो चेक की जाती है। अगर आपकी शक्ल से आप क्रिमिनल शो हो रहे हैं, कोई फ्रॉडी शो हो रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर भी आपका विजिट वीज़ा या कोई भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बात आप मेक श्योर करें, सही है ना। तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। सेकंड जो वजह है वो आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं या जिसका वीज़ा आप जो भी आपकी कंपनी डाल रही है, आपकी नेशनलिटी के रिगार्डिंग यानी कि आपकी जो कंट्री के रिगार्डिंग कोटा का ना होना, क्योंकि एक कोटा सिस्टम डिफाइन कर दिया गया है यूएई ने, 40% इंडियन को कोटा दिया है, 40% कह रहा हूँ, 40% इंडियन, 20% पाकिस्तानी और 20% बांग्लादेशी और 20% ओवरऑल द वर्ल्ड को एक कोटा सिस्टम डिफाइन कर दिया गया है। तो आपने चेक कर लेना है कि अगर आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर कोटा है तो ठीक है, फिर आपका वीज़ा लग जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं लगेगा, अगर कोई डालता भी है तो नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा, सही है। तीसरे नंबर पर जो रीज़न है रिजेक्ट होने की वो ये है कि आपकी जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं क्या उसमें डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर तो नहीं आ रहा। यही डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर का मतलब है कि यूएई ने हर नेशनलिटी को अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया है कि हर बंदा, हर नेशनलिटी का बंदा इधर आए हर कंपनी में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप मेक श्योर करें, इनको क्लियर करें, ये बहुत बड़ी वजूहात हैं आपके वीज़ा के रिजेक्ट होने की, यानी सिक्योरिटी रीज़न, कोटा का ना होना, मिक्स नेशनलिटी के लोगों का ना होना। ये चंद एक वजूहात मैंने बताई हैं वीज़ा के रिजेक्ट होने की। इसी तरह अगर कहा जाए कि अनस्किल्ड वीज़ा जो है ना 100 में से अगर चंद वीज़े लग रहे हैं, 2-3-4 यकीनन लग रहे हैं, वो भी जिन कंपनियों का कोटा क्लियर है या डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर को वो मेंटेन कर रही हैं। अभी कल के कमेंट में एक बंदा कह रहा था वीडियो के कमेंट में कि भाई मेरा वीज़ा लगा है, तो भाई उसका कैसे लग गया, अनस्किल्ड में वीज़ा लगा है। तो ये सारी डिटेल है, उम्मीद है आज को वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।